आदमी तीन ही अच्छे होते हैं, एक वो जो मर गया, दूसरा वो जो अभी पैदा नहीं हुआ, तीसरा वो शख्स जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी लड़की या औरत का अगर सुघड़पन देखना चाहते हो तो तीन चीज़ें देख लो, उनका बावर्ची खाना, घर का बाथरूम, उसके कपड़ों की अलमारी, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मेरे नज़दीक मुखलसी का रिश्ता है, यानी कि ज़ाती मुफाद से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है कि जो आपके साथ बग़ैर किसी मफाद और लालच के होते हैं। ज़मीर सड़क पर लगे उस मालूमाती साइन बोर्ड की तरह है जो रास्ता और सही सीमित तो बताता है मगर उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता है। मर्द की मोहब्बत दांत के दर्द की तरह होती है। मर्द जब मोहब्बत करता है तो शिद्दत से करता है और जब उसकी मोहब्बत ख़त्म होती है तो यूं लगता है जैसे उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानित हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। मुसलमानों के ना रुकने वाले जवाल की वजह यह है कि हमने आसानियां तकसीम करने की बजाय रुकावटें खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है मगर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मौत से पहले असर करती है, मौत के बाद नहीं। कभी ज़िंदगी में किसी के लिए मत रोना क्योंकि वो तुम्हारे आंसू के काबिल नहीं होगा और वो जो इस काबिल हो वो तुम्हें रोने नहीं देगा। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चुनकियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगे और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आप अपने लिए वही लोग चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दें। किसी की तालीम देखनी हो तो उसकी डिग्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर उससे बात कर लो, उसकी ज़ुबान और रवैया सब बता देता है। अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता, रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। नाकारा होने से शक और खौफ पैदा होता है, अमल से एतमाद और हिम्मत पैदा होती है। अगर आप खौफ पर काबू पाना चाहते हैं तो घर में बैठकर उसके बारे में ना सोचें, बाहर जाओ और मसरूफ़ हो जाओ। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है।